जीवन में कुछ करने का जज्बा, मेहनत और लगन हो तो सफलता जरूर मिलती है। और इस सफलता का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर है धनंजय केवर्त, जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स में 2 गोल्ड मेडल हासिल किया। और सबसे बड़ी बात कि आज राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान इनको मिला है। सामान्य परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लेकिन तमाम मुफलिसी के बीच में भी इन्होंने ये सफलता हासिल की है। सीधे हम बात करते हैं धनंजय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको 2 गोल्ड मेडल। धन्यवाद सर। किस तरह से आप देखते हैं, कितना संघर्ष भरा रहा है यहाँ तक पहुँचना, इस सफर को तय करना और आज राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना? हाँ सर, पहली बात तो ये कि हम लोग देखते थे, सुनते थे कि राष्ट्रपति मैडम आएंगी, हम लोग को गोल्ड मेडल देंगी, तो थोड़ा अलग से गर्व महसूस होता था। लेकिन आज पहली बार यहाँ पास में मैडम के हाथ तो 2-2 मेडल मिला और फिर ये पत्र मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आपके घर में, परिवार में पिताजी क्या करते हैं, किस परिवेश में आते हैं आप लोग, कैसे आखिर काम करके यहाँ तक पहुँचे? मेरे पिताजी और भैया मिस्त्री हैं और कभी कभी घर में खेती बाड़ी कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम मिस्त्री ही काम करते हैं। मिस्त्री काम नहीं मिलता तो फिर मजदूरी का काम करते हैं। क्या आपका मोटिव था, कैसे यहाँ तक आप पहुँचे, क्या सोचा आपने, किस तरह से पढ़ाई करना है ताकि सफलता मिले आपको? अब सर, ग्रामीण परिवेश से हैं तो गांव में अधिकतर देखा जाता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो अब सोचा कि घर में तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो मेरे पिताजी है जो मेरे को पढ़ाए हैं अकेले घर में, तो बोले कि अब सोचा थोड़ा कि अब जो गरीबी का ये दुष्चक्र है उसको तोड़ना है किसी भी तरह, तो अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तभी घर की गरीबी दूर हो सकती है। कितना उत्साहित है आज राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर, परिवार के लोग भी आपके साथ यहाँ पर हैं? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, साथ साथ मेरे पिताजी को भी बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति के हाथों मेरे को मेडल मिला है। आगे क्या मोटिव आपका, क्या एम है, कहाँ क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? आगे सर, अब मेरे को PSC करना है, कलेक्टर बनना है, PSC करते हुए कलेक्टर बने, फिर उसके बाद एक IAS ऑफिसर ही बनना है। कोई मैसेज समाज को देना चाहेंगे जो आपके जैसे दूसरे प्रदेश से आते हैं, परिवेश से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वो कई बार तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जैसे छात्रों को? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकतर गाँव में देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को कमाने खाने के लिए भट्ठा ले जाते हैं या फिर दसवीं बारहवीं के बाद ही छोड़ देते हैं कि तुम मत पढ़ो, तुम ये काम करो, घर में पैसा नहीं है, तुम पैसा कमा लो, 2-4 पैसा कमाओगे तो घर में आएगा तो खाएंगे। तो अधिकतर मैं देखा हूँ कि मेरे मोहल्ले में ऐसे बहुत हैं, मैं बहुत से पेरेंट्स को भी बोला हूँ कि अपने बच्चों को अभी KG1 KG2 में RTE के तहत भी एग्ज़ाम मतलब एडमिशन हो रहे, उसमें बोलता हूँ कि भर दो, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं। तो उन लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, जिससे वो आपके गरीबी के जो दुष्चक्र चल रहा है उसको तोड़ सके और अपने आपके परिवार को अच्छे से पाल सके, बिल्कुल जीवन में सफल हो सके। देखिएगा, ये इनके पिताजी हैं, 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और ये गोल्ड मेडल इनके गले में है, किस तरह से ये भी उत्साहित है, बताइए कितना उत्साहित है बच्चे को? बहुत उत्साहित है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश, अति खुश हूँ। मैं क्या काम करता हूँ आप? मैं करता हूँ मिस्त्री काम, राज मिस्त्री, घर बनाता हूँ। तो सोचे रहो कभी कि बेटा है इतना पढ़ी लिखी गोल्ड मेडल मिली? हाँ, वो भगवान की इच्छा है। अब गरीबी लत काटा ता था ना, फिर देखो गरीबी काटबो अब कैसे करबो, सरकार है ध्यान दी ना तब दे दी। तो बेटा आप कहते आओ पढ़िया, बढ़िया बनिया पढ़ा लिखा लाओ। हाँ देख, पढ़ा हाँ अभी पढ़ा हाँ अभी ला, जत का पढ़ी उतका पढ़ा हाँ, पर वो ये गरीबी काटेल पढ़ी, कभी भट्ठा जाए पढ़ी तो कभी कुछ काम करेल पढ़ी। स्कूल तो यहाँ पर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर मेहनत लगन से अगर काम किया जाए, पढ़ाई किया जाए तो निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलती है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर।